सबों को सलाम, वेलकम टू ऑल। बादशाह ने यूसुफ से ख्वाबों की तबीर सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो जानता था कि इफरात की फसलों के बावजूद बाद में कहत के जो 7 साल आएंगे, साथ मौत भी लाएंगे। मगर यूसुफ को अभी कुछ और भी कहना था। वो बोला, बादशाह सलामत, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं कि आपको क्या करना चाहिए। बादशाह ने हाँ में सर हिलाया तो यूसुफ ने बात जारी रखी। हजूर, अपने किसी दना शख्स को खुराक की रसद का हाकिम बना दें। वो अफराद के 7 सालों में कसरत से अनाज गोदामों में जमा करता रहे। ये अनाज कहत के 7 सालों में सारे लोगों के खाने को काफ़ी होगा। लोग भूखे नहीं मरेंगे। बादशाह को यूसुफ का दानिशमंदाना मशवरा बहुत पसंद आया। वह यूसुफ से बहुत खुश हुआ। उसने पुकार कर कहा, तुम ही वो आदमी हो, तुमने साबित कर दिया है कि तुम बहुत अक्लमंद हो। मैं तुम्हें पूरे मिस्र पर हाकिम मुकर्रर करता हूँ। जो कुछ करना ज़रूरी है करो, तुम मेरे नए वज़ीर आज़म हो। फिराउन के हुक्म से यूसुफ को उम्दा रथ, नौकर चाकर, नफीस और उम्दा लिबास दिए गए। उसके गले में सोने का तौक भी पहनाया गया और सारे मुल्क में मुनादी कराई गई कि यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम है। फिराउन के बाद दूसरा दर्जा यूसुफ का है। यूसुफ ने खुदा पर भरोसा रखा और उसका सारा काम अच्छी तरह होता गया। वो गुलामी में और कैद खाना में भी ऐसा ही करता था। उसने अपने अहम फ़राइज भी इसी तरह पूरे करने शुरू कर दिए। उसने मुल्क के तूलो अर्ज़ का दौरा किया। उसने हुक्म दिया कि हर शहर में बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएं, जिनमें अनाज ज़खीरा किया जाए। अफराद की फसलों के 7 सालों में कसरत से अनाज पैदा हुआ। यूसुफ ने ख़ास इंतज़ाम किए और सारे मुल्क में हर जगह अनाज ज़खीरा कर लिया। अफराद के 7 साल ख़त्म होने से पहले ही इतना अनाज जमा हो गया कि यूसुफ ने हिसाब रखना भी छोड़ दिया। फिर कहत के साल शुरू हुए जिनमें फसलें पैदा नहीं होती थीं। यूसुफ पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। वो अनाज बेचता था और ध्यान रखता था कि सारे मुल्क को हसब ज़रूरत मिलता रहे। नज़दीकी मुल्कों में भी कहत और खुश्क साली आई। बहुत जल्द लोग अनाज खरीदने मिस्र में आने लगे, क्योंकि खबर फैल गई थी कि मिस्र में अनाज है। वह यूसुफ के पास आते और अनाज मांगते कि अनाज खरीद कर अपने अपने मुल्क ले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाही दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बी सेफ, आमीन।